हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का लेसन प्लान के बारे में, और टॉपिक है, टॉपिक यानी कि प्रकरण ग्राम पंचायत। नाम सभी लोग सुने होंगे, इस नाम से सभी लोग परिचित होंगे। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। सामाजिक अध्ययन का एक प्रकार से ये फॉर्मेट भी है। अगर आपको सामाजिक अध्ययन का लेसन प्लान बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले इस तरीके से दिनांक लिखा जाएगा, फिर उसके बाद कक्षा लिखा जाएगा, फिर उसके बाद विषय लिखा जाएगा, फिर विषय के जस्ट बाद प्रकरण लिखा जाएगा, चक्र लिखा जाएगा, अवधि लिखा जाएगा, फिर गाइस उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्रों में सामाजिक तथा मानसिक क्षमता का विकास करना। जैसे सामाजिक अध्ययन अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो किस तरीके से बच्चों का विकास होगा, यानी ये सब्जेक्ट यानी विषय से संबंधित होगा और ये प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होगा। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि छात्रों में सामाजिक तथा मानसिक क्षमता का विकास करना, छात्रों को अपने आसपास की जानकारी देना, समाज में जीवन जीने के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों में उचित दृष्टिकोण का विकास करना तथा नागरिकता का विकास करना। फिर गाइस उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में तीन पक्ष लेकर चला जाएगा, यानी बच्चों का ज्ञान नॉलेज के लेवल पर किस तरीके से विकास होगा, बोध यानी कि कम्प्रिहेंसन इसको भी बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं, तो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना अच्छे से होगा विकास उसका, और फिर उसके बाद स्किल, उनकी स्किल कितनी डेवलप होगी इसके बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में है कि छात्र स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और बोधात्मक उद्देश्य में है कि छात्र स्थानीय स्वशासन के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर है कौशलात्मक उद्देश्य, यानी छात्र स्थानीय स्वशासन के प्रति अपने भाव प्रकट कर सकेंगे। फिर उसके बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में कक्षा प्रयोगी सहायक सामग्री और चार्ट। पूर्व ज्ञान, छात्र संविधान तथा शासन प्रणाली के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर गाइज उसके बाद यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न किया जाता है। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, प्रस्तावना प्रश्न है छात्राध्यापिका क्रिया, फिर उसके बाद छात्र अनुक्रिया, यानी छात्राध्यापिका जो है वो जो क्रिया करेंगी उसी का रिस्पांस करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये सब यहाँ लिखा जाएगा। ये है प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप पूछेंगे बच्चों से कि हम किस देश के नागरिक हैं। बच्चे बताएंगे कि हम भारत देश के नागरिक हैं। फिर आप कहेंगे कि भारत में ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं। फिर बच्चे कहेंगे कि भारत में ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। गाँव के लोगों की समस्याएं क्या क्या होती है। फिर बच्चे बताएंगे कि गाँव के लोगों को राशन, सड़क, चिकित्सा आदि की समस्याएं होती हैं। फिर आप कहेंगे कि गाँव के लोगों की इन समस्याओं का समाधान कौन करता है। हो सकता है बच्चे बता लें और हो सकता है ना भी बता पाएँ। इन दोनों परिस्थितियों में आपको अब यहाँ पर अपना उद्देश्य कथन के साथ आप प्रेजेंट करेंगे कि हम विद्यार्थियों आज हम इस विषय के अंतर्गत इस प्रकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विषय में आप नागरिक शास्त्र बोलेंगे और प्रकरण में ग्राम पंचायत बोलेंगे। फिर गाइस इसके बाद आप क्लास में प्रेजेंट करेंगे। विकासात्मक प्रश्न पहले पूछेंगे, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे, और फिर स्पष्टीकरण में आप हर एक टॉपिक को समझाएंगे और यहाँ पर कौन सी विधि है ये भी साथ साथ में यहाँ लिखते जाएंगे कि आपने कहाँ किस विधि का प्रयोग किया है। फिर गाइस इस तरीके से आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि ये चेक करने के लिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तभी आप नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से समझाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ लास्ट में बोधात्मक प्रश्न करेंगे। इस तरीके से अपने टॉपिक को बढ़ाते जाएंगे। फिर गाइज आप यहाँ जैसे लिखा गया है श्यामपट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क, छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर श्यामपट का प्रयोग किया जाएगा जो कि बाएं पेज पर अंकित है। तो बाएं पेज पर अंकित है तो इस तरीके से आप ये वाला पेज उसके जस्ट बाएं साइड पर यानी लेफ्ट साइड पर आप चिपका देंगे। फिर गाइस उसके बाद होता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य यानी कि इंस्पेक्शन वर्क। इंस्पेक्शन वर्क आप घूम घूम कर देखेंगे कि सभी छात्र अच्छे से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। फिर गाइस उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन। आप रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन पूछेंगे टॉपिक को फिर से क्लियर करने के लिए और सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए आप उनसे प्रश्न करते हैं। फिर आप लास्ट में गृह कार्य देंगे बच्चों को। इस तरीके से आपका लेसन प्लान के द्वारा टीचिंग संपूर्ण कही जाएगी। तो मुझे आशा है आप लोगों को आज का लेसन
प्लान, लेसन प्लान जो यानी कि पाठ योजना है वो समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो, मगज में आई हो, तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपने लेसन प्लान को प्रिपेयर कर सकें अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, और समझ सकें, दूसरों को समझा सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।